हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हम वापस आ चुके हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी का स्वागत है उदित खन्ना के व्लॉग्स में। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं फिर आ पहुंचा हूँ ये हाईवे रोड हाईवे पे। ये सामने घाटा वाली माता जी का मंदिर है, थोड़े दर्शन करने आया हूँ। मैं सोचा थोड़ी आपको मानसून के बाद क्या माहौल है यहाँ का, क्या वादियाँ, थोड़ी हरी भरी वादियाँ भी दिखाई जाए, थोड़ा पहाड़ दिखाया जाए तो कितने हरे भरे लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सामने भी एक पहाड़, इधर भी पहाड़, सब हर जगह सब हरा भरा हो चुका है। तो ये देखिए कितना हरा भरा लग रहा है। कभी कभी ये हरियाली देख के भी बड़ा मन खुश हो जाता है, मैं एकदम हैप्पी मूड हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, नीचे आपको ये पटरियाँ दिख रही होंगी, यहाँ से ये ट्रेन जाती है यहाँ, और उसके आगे मतलब जस्ट ये एक टनल है यहाँ पे। ये घाटा वाली माता जी का मंदिर है, अभी यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है। तो घाटा वाली माता जी मंदिर के दर्शन कर लिए, मत्था टेक लिया। तो मैंने सोचा यहाँ हाईवे रोड की तरफ या वापस आते और यहाँ से आपको थोड़ी दूर दूर तक के नज़ारे दिखाते, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। और रात में तो और भी अच्छा होता है, लाइटें लाइटें दिख रही होती हर जगह। ये देख सकते हैं आप, हर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। अरे देख सकते हैं आप, ये गाड़ियाँ कितनी तेज़ तेज़ जा रही हैं यहाँ से। ये हाईवे रोड पे सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से रेस लगाती हैं, मेरा मतलब कि सारी गाड़ियाँ एकदम तेज़ तेज़ जाती हैं ना, तो देखने में ऐसा ही लगता है कि सब एक दूसरे से रेस लगा रहे कि कौन पहले पहुँचेगा, कौन फर्स्ट आएगा। तो भी ये सामने एक पैसिफिक डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल है, सामने एक लंगूर भी बैठा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी सामने से मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जस्ट सामने से उदयपुर सिटी टू बड़ी सादड़ी की जो ट्रेन आने वाली है, ये देख सकते हैं आप, ट्रेन आ रही है। तो ये देखा आपने ट्रेन कैसे रफ्तार से आई और चली गई। और मुझे सामने, मैं देख रहा हूँ सामने एक, मुझे एक नदी भी दिख रही है, बहुत बड़ी लेक दिख रही, शायद आपको भी दिख रही होगी। और ये जो ट्रेन गई, इस ट्रेन का देवारी पर भी हॉल्ट है, ये वहाँ पर भी रुकेगी। अब मैं इन रेलवे ट्रैक्स के थोड़ा नज़दीक आया हूँ, इनके थोड़ा पास आया हूँ, और ये देख सकते हैं अभी आसपास कितनी हरियाली छाई हुई है। मानसून के बाद यहाँ सब ऐसा ही हो जाता है। और ये देख सकते हैं अभी सामने से ट्रेन कर्व लेके आती है, ये सामने पहाड़ और यहाँ से बीच में पटरियाँ, क्या सीन है। तो हर जगह मतलब हरियाली छाई हुई है, देख के बड़ा अच्छा लगा। और देख सकते हैं आप, ये ऊपर ये तारे लगी हुई हैं, इन तारों से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी ले पाते हैं। सामने से कोई ट्रेन आ रही है, मुझे लग रहा है ये शायद वीरभूमि एक्सप्रेस आ रही है। मेरा जवाब बिल्कुल सही था, ये वीरभूमि एक्सप्रेस ही थी। इसको अभी इंदौर इंदौर तक चलती है ना, उदयपुर सिटी टू इंदौर तक। तो अभी इसको इंदौर से उदयपुर लेके जा रहे हैं, वहाँ से ये तैयार होगी जर्नी के लिए, फिर निकलेगी। तो अब वीरभूमि एक्सप्रेस तो चली गई उदयपुर सिटी, तो हम भी अब चलते हैं। सामने से वीरभूमि एक्सप्रेस कर्व लेती हुई आई और चली गई, और देख सकते हैं अब ये इधर भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ हरियाली हरियाली, हरा हरा, एकदम ग्रीनरी छाई हुई है। मुझे ये पेड़ पौधे, ग्रीनरी, हरियाली, ये सब भी मुझे अच्छा लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ये देख सकते हैं ये WL का साइन लगा है। तो
देखा आपने, वो जो गई वो एक इंस्पेक्शन कार वैन थी, जो मतलब वो तारे नहीं लगी होती, उनको चेक करने के लिए ये होती है। हाँ, उनको चेक करने के लिए होती है। और देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं अभी कितनी सारी शीप्स हैं, इनके बालों से वो विंटर के क्लॉथ्स बनते, स्वेटर, ऊन जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हर जगह है, यहाँ कितनी सारी शीप्स हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये इन शीप्स के बीच में से मैं निकल रहा हूँ, कितनी ढेर सारी हैं, कितनी सारी है, ढेर सारी शीप्स हैं, मतलब 100 से ज़्यादा शीप्स होंगी। ये किसी को कुछ करती नहीं है, छेड़ोगे तो करेगी, मैं इनको छेड़ नहीं रहा, मैं तो अपना शांति से निकल रहा हूँ इनके यहाँ से। अभी मैं यहाँ राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन आया हूँ, ट्रेन जर्नी करने नहीं, यहाँ स्टेशन का थोड़ा हाल दिखाने, स्टेशन का भी क्या माहौल है थोड़ा आपको दिखाने आया हूँ। तो आते ही मेरे को ये बड़ी सादरी टू उदयपुर सिटी वाली ट्रेन आती हुई दिखी।
के इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे ऐसे और नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए, मेरे ऐसे और नए नए वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद। टाटा। बाय बाय। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।